नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं पूजा। आइए डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर एक नजर। आज की खबरें इस प्रकार हैं। हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर सत्तारूढ़ दल पर इल्जामों की बरसात की है। आपको बता दें कि हाल के ही दिनों में पत्थलगड़ी की घटना से आहत होकर दीपक प्रकाश ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पत्थलगड़ी जैसी संवेदनशील मुद्दों पर जो मामला दर्ज हुए थे उसे हटाने का काम इस सरकार के द्वारा की गई है। साथ ही आदिवासियों के ऊपर जुर्म एवं उनकी हत्या का मामला चाईबासा से जो प्रकाश में आया है वह काफी दुखद है और यह सरकार खजाना खाली का जो बहाना बना रही है उसके पीछे भी कई बातें छुपी है, यह सब कोई जान रहा है। ऐसे में सरकार अब अपनी निष्क्रियता को किसी भी सूरत में छिपा नहीं सकती। जनता ने उन्हें मौका दिया है तो उन्हें जवाब भी देना होगा। साथ ही सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का फैसला लिया है उसे उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी लोगों तक जाकर अपनी बातें रखेगी और सरकार का दूसरा चेहरा दिखाने का प्रयास करेगी। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से रवि शर्मा की रिपोर्ट। आगे का बात है कि वर्तमान सरकार, राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार राज्य के हित में लिए गए पुराने सरकार के निर्णय लोक कल्याणकारी योजनाओं को खत्म करने जा रही है। उसी के तहत कृषि आशीर्वाद योजना की योजना जो किसानों के आय को दुगनी करने का जो लक्ष्य था उसको खत्म करके अपने आप को किसान विरोधी, जन विरोधी सरकार बताने में अपने आप को सफल हुए। हम कह सकते हैं कि पिछले चुनाव में जो घोषणाएं और जो संकल्प था उन्होंने जनता के पास जाकर के अपने चीजों को रखने का काम किया था, उससे अपने आप को मुकरने के लिए एक बहाना ढूंढने के लिए खजाना खाली का बहाना ढूंढ करके जनता के हित में कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे राज्य की कानून व्यवस्था यहाँ पर चौपट है, खत्म है। इसी दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि राज्य सरकार की जो जन विरोधी योजनाएँ हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं को जो बंद करने का जिन्होंने संकल्प लिया है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के सड़क से लेकर के सदन में भी संघर्ष करें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि खजाना खाली है इसलिए योजनाएं, खजाना खाली का बहाना है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। देखते रहिए खबर 365 न्यूज। मैं पूजा, नमस्कार। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।